क्या पढ़ा? रिवीजन, कम ऑन, क्विक रिवीजन करना है ना। हाँ, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटेडली एम्फसाइजिंग ऑन रिवीजन बिकॉज इट इज की टू सक्सेस। याद रखना है आपको, राइट? सो रिवीजन, व्हाट इज रिवीजन? रिपीटेड, RE, रिपीटेड विजन। मैंने पहले भी कहा है। सो हम बार बार जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, स्पेशली टेक्स्ट बुक या हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, हम एक दो तीन बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा जो ये ब्रेन है ना, सपोज दिस इज अवर ब्रेन, इसमें एक न्यूरॉन है। आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, राइट? यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, साइटॉन होता है, देन देयर आर स्क्वायर सेल्स, दिस इज एक्सॉन, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड देयर आर अदर प्रोजेक्शंस। ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। तो ये क्या करते हैं? ब्रेन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, और एसोसिएशन मेमोरीज। देयर आर डिफरेंट एरियाज, कॉर्टिकल एरियाज, राइट? विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। सो हम जो भी इंफॉर्मेशन अभी आप सुन रहे हो इस लेक्चर के थ्रू, राइट, या फिर जो भी हम रूटीनली पढ़ते हैं, तो हर एक एरिया में वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन ये न्यूरॉन्स कंडक्ट करते हैं और एक एक एरिया में उसे डिकोड करते हैं, देन दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपने पढ़े हैं, राइट? सो इसी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। अभी आपने सुना, पढ़ा और आपने रिटेन किया, बट अभी आपको एग्जाम में रिकॉल करना है। आपने कभी नोट किया है? आपने कोई एक चीज एक बार पढ़ी है तो आपको याद हुई है? नहीं, हमें फिर से पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, फ्यू थिंग्स आर वोलाटाइल, फ्यू न्यूमेरिकल्स, इवन इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन फॉर्मूलाज, डिफरेंट थियोरम्स, राइट? सो इसलिए रिविजन करने की आपको हैबिट अभी से करना है, बिकॉज आपका 10th बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, इट विल बी द डिसाइडिंग ईयर कि आपको आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, IITian बनना है, और एनी अदर थिंग, वेयर एवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जो भी है आपके चॉइसेस, राइट? सो इसलिए आपको अभी से ये हैबिट करना है कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसे एंजॉय करते हुए हमें पढ़ना है, राइट? एंड नोट्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, आई एम सॉरी, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स क्या करेंगे? ये आपके रिवीजन को हेल्प करेंगे, दे आर इंटरकनेक्टेड, और अल्टीमेटली आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर होगा, और आप एग्जाम में, एग्जाम डे के दिन, यू विल स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन बायोलॉजी। सो जस्ट हैव फेथ इन योर टीचर्स एंड प्लीज फॉलो द थिंग्स, जो भी हम आपको इस लाइव लेक्चर्स के थ्रू बता रहे हैं, आपको उसे अच्छे से इम्बाइब करना है, अपने अंदर सिंक इन करना है और उसे फॉलो करना है। ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर डे टू डे रूटीन। अभी लॉकडाउन है तो घर पे हो आप, तो अभी बोर नहीं होना है हमें। आई नो दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट? टोटली डिफरेंट सिनेरियो। वी आर स्टडिंग टू वर्चुअल लेक्चर्स, नो फेस टू फेस लेक्चर्स, नो फ्रेंड्स, नो क्लासेस, नो स्कूल्स, बट अभी हमें इसके थ्रू इन चैलेंजेस को भी सरपास करके अच्छे से पढ़ना है, राइट बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नोट ऑफ रिविजन एंड हैंड रिटन नोट्स। हमने जो इसका सीखा है, इसको अपने अंदर अच्छे से फिट इन कर लो कि सर ने बोला था अब से हमें बायोलॉजी के लिए तो एटलीस्ट इसे फॉलो करना ही है, और इसके थ्रू हम आउट ऑफ मार्क्स लेंगे बायोलॉजी में, राइट? और मैं तो आपके लिए आसान कर रहा हूँ जितना हो सके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, राइट? कल हमने क्या क्या पढ़ा? चलो क्विक रिविजन, कम ऑन, लेट्स गो। सो वील रिवाइज विद दिस स्मॉल क्विज, आपके लिए एक छोटा सा क्विज, मजेदार है। लेट्स सी कितने लोग सही आंसर करते हैं, कितने लोगों ने कल अटेंटिवली लेक्चर को अटेंड किया है और घर जाके टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, ये भी हमें समझेगा। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट, हाँ, क्योंकि ये आपके अल्टीमेट गुड के लिए, तो आप देखिए आपको कितने सही आंसर्स आते हैं। प्लीज क्लोज योर टेक्स्ट बुक। अभी जब भी आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, कभी आपको टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करना है, राइट? जस्ट फोकस एंड टेक डाउन योर नोटबुक, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है आपके हैंड रिटन नोट्स में, राइट? उसी में कंपाइल करना, और टेक्स्ट बुक आप जब सेशन ये लाइव खत्म होगा उसके बाद आप पढ़ोगे अच्छे से, एंड देन यू विल एनालाइज कि आपको कितने कॉन्सेप्ट समझे हैं, हाउ मेनी थिंग्स यू हैव लर्न इन थ्रू दिस लेक्चर। कुछ डाउट्स है तो आप स्नेहल सर को कन्वे करना है टेलीग्राम ग्रुप्स में, और सर मुझे कन्वे करेंगे, आई विल आंसर अकॉर्डिंगली, राइट? सो डोंट वरी अबाउट डाउट्स, कितने भी डाउट्स हो आप बिल्कुल बे
विदाउट एनी वरी आप बिल्कुल भेज सकते हो, बट अभी के लिए क्लोज योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर. अभी मैं पूछ रहा हूँ आपको फर्स्ट थिंग. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ ए, राइट? दिस इज ए. ये स्ट्रक्चर क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ग्रीनिश. कम ऑन एवरीवन, हमने पढ़ा है. दिस इज द फर्स्ट वर्ल इन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बायसेक्सुअल फ्लावर, जो हमने कल स्टार्ट किया है. व्हाट इज दैट? या इट इज सेपल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स, राइट? ये दोनों, कुछ कुछ फ्लावर्स में ज्यादा सेपल्स होते हैं, राइट? सो दिस ग्रीनिश स्ट्रक्चर फर्स्ट वर्ल, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, राइट? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अभी मैं पूछ रहा हूं आपको बी. दिस लेफ्ट में देखिए, स्क्रीन में आपके लेफ्ट में, व्हाट इज दिस बी? आसान है ये तो, ब्राइट कलर्ड. व्हाट आर दीज? दीज आर पेटल्स. या वेरी गुड, आई नो मेनी ऑफ यू हैव करेक्ट आंसर्ड इट करेक्टली, राइट? एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सो पेटल्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? व्हाट इज द नेम? इट इज कॉल्ड एज करोला. जब इतने बहुत सारे पेटल्स साथ में होते हैं ना, हम उनके ग्रुप्स को बोलते हैं करोला, राइट? आसान है. एक कैलिक्स है जो सेपल्स का है, एक पेटल्स का है जो करोला है. आप ऐसे भी आ सकते हो, करोला यानी में इसमें क्या आ रहा है वर्ड? कलर्ड, समथिंग लाइक, एक कलर्ड वर्ड से सिमिलर लग रहा है ना, कलर्ड कलर्ड. और पेटल्स ही होते हैं जो लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं. सो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैलिक्स यानी सेपल वाला, ग्रीन वाला पार्ट, सिंपल. और करोला, इस वर्ड को अच्छे से समझिए, करोला कलर्ड. इट इज नॉट, इट्स मीनिंग इज नॉट कलर्ड, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ट्रिक्स टू रिमेंबर. इट्स इनोवेटिव वेज, आप अपने भी इनोवेटिव वेज ऐसे फाइंड कर सकते हो, सो दैट एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो टर्म्स को लेके, राइट? सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू गिव योर ब्रेन सच डिफरेंट निमोनिक्स ट्रिक्स, सो दैट वो इंफॉर्मेशन को एक स्ट्राइक में अच्छे से याद कर ले. ज्यादा आपको बार बार उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू रट्टा फायर एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? कॉन्सेप्ट जो है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, कुछ टर्म्स को ऐसे याद रखना. पेटल्स, करोला. थर्ड, थर्ड वर्ल कौन सा होता है? थर्ड इज सी. लेट्स सी कौन कौन आंसर करता है थर्ड वर्ल. ई एंड एफ इसके पार्ट्स हैं, राइट? सो ये और ये, ऐसे बहुत सारे हैं ये थर्ड वर्ल में. दिस इज, क्या बोलते हैं इसे? दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज थर्ड वर्ल, ऑल्सो कॉल्ड एज टैमेंस, एंड्रोशियम और एंड्रोशियम. अब इसके क्या पार्ट्स होते हैं? जो लॉन्ग थ्रेड लाइक है वो है फिलामेंट, और ऊपर वाला एंथर. हम इसका इन डिटेल इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ओके? वी विल स्टडी अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, कैलिक्स, करोला, हम सबके डिटेल्स पढ़ेंगे. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करोलास, राइट? सो डोंट वरी अबाउट other things. अभी बस आप answer करिए, आपके लिए एक quiz है, right? आपके लिए एक flower रखा है और आपको name करना है, right? So अब तक सबने answer किया सही, और जिनको confusion हुआ वो अच्छे से focus करिए, so that आपको अच्छे से आगे exam में final recall करना है. आपको ऐसे exam में भी दे सकते हैं structure and name the following structures or parts, right? So इसलिए please focus. और अच्छा, यहाँ पे एक cup-like structure होता है, उसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? Stalk है नीचे वाला, और पेडिकल. और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिसेप्टैकल और थैलेमस. थैलेमस और रिसेप्टैकल, वन एंड द सेम. क्लियर? अभी लास्ट पार्ट है फोर्थ वर्ल्ड डी. इसके जी एच आई इतने पार्ट है. ये सेंटर वाला, अलग कलर यूज करता हूं मैं सो दैट आपको इजी हो जाए. सो दिस सेंटर वन, व्हाट इज दिस? डी. It is fourth wall, made up of female parts. Come on, name it. It is pistil. Yes, very good. I know many of you have answered it correctly. It is pistil, also called as gynoecium. Right? आपको याद है ना मैंने कल क्या बोला था? Gyno, gyno is gynec. हम बोलते हैं ना gynec, डॉक्टर के पास जाना है, कोई पेशेंट है, डिलीवरी करना है. Gyno is word related to females. तो ये फीमेल पार्ट्स है फ्लावर के, जिसमें ओवरी होता है, ओव्यूल होता है, जिसमें ऊपर अपर मोस्ट पार्ट स्टिग्मा होता है, जो मिडिल वन है वो स्टाइल है, स्टाइल एंड अपर मोस्ट स्टिग्मा, राइट? आसान है. और ये ओवरी है, इसके अंदर जो ओव्यूल्स है जो कनेक्टेड है प्लासेंटा को. सिमिलर टू अ मदर,
हम ह्यूमंस में होते हैं ना, प्लासेंटा होता है, बेबी होता है यूटरस के अंदर, वूम में, फिर फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म ओवा का. मैंने कल कहा था ना, रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे ह्यूमंस में हम रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी तो करेंगे, अदरवाइज कैसे फ्रूट्स बनेंगे, कैसे सीड्स बनेंगे, कैसे अलग अलग नेचर में हमें जो वेजिटेबल्स है वो बनेंगे. फॉर दैट इट इज मस्ट. सो हमें इन स्ट्रक्चर्स को एंजॉय करते हुए पढ़ना है. इट इज लाइक कि बोरिंग यार, अभी प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ना है, कम ऑन गाइज. ओके, सो जब तक हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग वे में नहीं लेंगे, नेचर को बिल्कुल मजेदार वे में. हम फ्लावर्स, आपको पसंद है, कोई फ्रेंड आपको बर्थडे को कोई बुके गिफ्ट कर दे तो आपको अच्छा लगता है फ्लावर्स, राइट? सो अगर फ्लावर्स आपको इतने अच्छे लगते हैं तो फिर क्यों ना उनके स्ट्रक्चर्स भी हम अच्छे से समझें, जो फ्लावर्स को इन नेचर ने इतने ब्यूटीफुली बनाया है. Isn't that interesting? कोई मूवी, कोई गेम, कोई न्यू साइट्स को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं. यू गो टू ट्रैवल, ट्रैकिंग, राइट? सो इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग. इसमें तो मजा है, राइट? सो इट इज गायनोशियम. जस्ट एंजॉय करो, बी विथ मी. ओके, सो बेसल ओवरी, ओव्यूल्स, दिस इज स्टाइल, ये एच इज स्टाइल लंबा वाला, एंड दिस ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, राइट? क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम में जरूर पूछेंगे क्यू, क्यू जहाँ पे भी मैं क्यू लिखता हूँ, इट मीन्स देर आर हाई चांसेस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन. क्यू फॉर शॉर्ट फॉर्म फॉर क्वेश्चन. तो मैं नोट्स में बहुत बार यहाँ पे स्क्रीन पे क्यू लिखूंगा. यू शुड राइट डाउन इन योर नोट्स टू कि स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसे पार्ट्स को आपको पूछेंगे एग्जाम में. नेम इट. सो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड के फाइनल ICSE बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं. एंड दिस इज द बेस फॉर स्टडिंग बॉटनी. आगे हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. एंड यू कैन सी दिस आर बायलोब्ड एंथर्स. आपको दिख रहा है, इसमें क्लियरली दिख रहा है, ये दो दो लोब्स है इसमें ऐसे. ये एंथर्स है, मेल पार्ट्स. दिस आर स्टैमेंस, एंथर्स, पार्ट ऑफ मेल सिस्टम, यानी मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स. बायसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स है, male as well as female, that's why it is called as a bisexual flower. All clear? Chalo, we'll move on to our today's topic. Give the heading as sexuality in flowers. Diya sabne heading sexuality in flowers. Okay, so jaise humans mein sexuality hoti hai, koi male hai koi female hai, right? Two genders hai, right? Waise hi flowers mein bhi hai, male flowers, female flowers, ya fir कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ है. सो मेजॉरिटी फ्लावर्स जो होते हैं ना नेचर में, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, राइट? मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ऐसे जनरल कैटेगरीज है ये, राइट? सो मेजॉरिटी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, यानी एक ही फ्लावर में स्टैमेंस भी होंगे और पिस्टिल्स भी होंगे. स्टैमेंस मेल पार्ट, पिस्टिल्स फीमेल पार्ट, राइट? सो अभी आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करिए ऐसे एरो के साथ आपके नोट्स में. कम ऑन, टेक डाउन हैंड रिटन नोट्स, लिखना है आपको. और अगर लग रहा है तो पॉज कर सकते हो वीडियो को, बट प्लीज जब तक मेरा लेक्चर है 1 आवर का, आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स लिखना है, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और आप ऐसे फ्लो चार्ट में लिखोगे तो फाइनल एग्जाम में रिवाइज करने को आपके नोट्स से हेल्प होगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में बहुत एक कंपाइल एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है. इट मे नॉट बी ईजी फॉर यू ड्यूरिंग रिविजन्स, आप फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे. सो प्लीज ट्राई टू मेक डाउन सिंप्लीफाइड नोट्स. बायोलॉजी में जितना नोट्स आप बनाओगे ना, इट विल बी ईजी टू रिकॉल एंड स्कोर द मैक्सिमम इन योर फाइनल एग्जाम्स, राइट? सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट क्या है. बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल ऑल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट. राइट डाउन फर्स्ट टाइप. सो मेजॉरिटी बाइसेक्सुअल, हमने देखा ना कल बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर, अभी भी हमने पढ़ा. ओके, सेकंड हियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट. ऑब्वियसली ना, एक ही सेक्स है तो उसे इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं. और इम्परफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट. राइट डाउन, दीज आर द डिफरेंट नेम्स फॉर unisexual flower, right? So a flower
which has only one of these parts, male or female, only stamens or only carpels, they are called as unisexual flowers. Clear hai? Okay. और बायसेक्शुअल फ्लावर तो आपने समझ लिया, जिसमें बोथ स्टैमेंस एंड बोथ कार्पल्स है. स्टैमेंस दे हैव एंथर्स प्रोड्यूस पोलर पिस्टिल्स, और कार्पल्स व्हाट? कार्पल्स हैव ओवरी, ओव्यूल, एग. ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग सेल होता है ना, फीमेल गैमेट बोलते हैं. सी, मेल गैमेट किस में होंगे? पोलन विच फॉर्म्स द मेल गैमेट. हाँ, स्टैमेंस प्रोड्यूस पोलन विच फॉर्म्स द मेल गैमेट. जैसे हम ह्यूमंस में स्पर्म्स होते हैं ना, वैसे मेल और फीमेल क्या होता है? मेल गैमेट, पोलन कौन बनाता है? एंथर्स बनाते हैं. दे आर मेल गैमेट. जैसे कंपेयर अब विथ अवर ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं, राइट, मेल्स में. और फीमेल में क्या होगा? ओवरी. सो कार्पल बेसिकली ओवरी, इसके अंदर जो ओवरी होता है नीचे बेसल में, दैट प्रोड्यूसेस ओव्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज एग, दैट इज फीमेल गैमेट. तो ये दोनों जिसमें होंगे ना, कार्पल एंड दैट एंथर स्टैमेंस, दैट इज बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में कोई भी एक होगा. सो राइट डाउन अंडर द हेडिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल इट हैज ओनली वन ऑफ दिस पार्ट्स, आइदर स्टैमेन और कार्पल, वन ऑफ दिस पार्ट्स. इट हैज कंप्लीट सेंटेंस लिखे, ओनली underline only one of these parts, either stamens or only carpels. एक तो एक stamens होंगे, नहीं तो carpels होंगे, female या male. That's why it is unisexual or incomplete, है ना? Incomplete है, simple है. Examples पूछते हैं exam में incomplete और unisexual flower के, क्या लिखोगे आप? Examples कौन से हैं? Papaya, palm, write down. पपया एंड पाम, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें एक ही सेक्स होता है, आइदर स्टैमेन होगा या कार्पल होगा, राइट? क्लियर है? यूनिसेक्सुअल, सो दे हैव आइदर स्टैमेन. अच्छा, यूनिसेक्सुअल को हम फिर से कैसे डिवाइड करेंगे? कम ऑन, लेट्स सी. दिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फर्दर डिवाइडेड, नोट्स में ही लिखिए. यहां पे मैंने लिखा है राइट में यूनिसेक्सुअल, वन मोर डिविजन, वन एंड टू, इसको फिर से डिवाइड किया है हमने यूनिसेक्सुअल को. सेकंड वाला हमने ये पढ़ लिया, इसे अलग रखिए. दिस इज बायसेक्सुअल हो गया है ऑलरेडी कंप्लीटेड बॉक्स में. अभी यूनिसेक्सुअल में और दो टाइप्स है, यानी कोई भी एक है. अगर स्टैमेन है तो हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच हैज ओनली स्टैमेन, इट इज कॉल्ड एज ए स्मॉल स्टैमिनेट फ्लावर. इसमें सिर्फ स्टैमेंस है, यानी पपाया के जिस फ्लावर में, सपोज अ पपाया ट्री, उसके फ्लावर में अगर सिर्फ स्टैमेन है तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज अ स्टैमिनेट. नाम पे ही लिखा है ना, स्टैमेन, स्टैमिनेट. और अगर उसमें सिर्फ पिस्टिल्स है तो मैं क्या बोलूंगा? पिस्टिलेट. आसान है, दो कैटेगरी में, ओनली स्टैमेंस, ओनली पिस्टिल्स. दिस आर मेल और फीमेल, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, ब्रैकेट में लिखिए. आसान है, ऐसे फ्लो चार्ट इजी हो जाता है, राइट? देन देयर इज थर्ड कैटेगरी. कम ऑन, फोकस नाउ. थर्ड कैटेगरी क्या है? आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इट इज न्यूटर फ्लावर. वॉट इज दैट? न्यूटर, NEUTER. गिव द हेडिंग, राइट डाउन इन योर नोटबुक. What is neuter flower? Come on, anyone? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है neuter flower? यानी so write down a flower in which both male and female reproductive organs are lacking, यानी they are absent, in which both male and female reproductive organs are lacking. Absent. यानी इसमें क्या है? No, no male, no female. दोनों भी नहीं. So it is called as neuter, not neutral.
काइंड ऑफ आप इसे सिमिलर कर सकते हो न्यूट्रल के साथ, यानी दोनों भी नहीं है, बट जस्ट टू रिमेम्बर फॉर योर एग्जाम. बट द स्पेलिंग इज NEUTER, इट इज अ डिफरेंट टर्म, न्यूटर, राइट? Somewhat it is derived from neutral only, क्योंकि इसमें मेल भी नहीं है, ये मेल भी नहीं है, ये फीमेल भी नहीं है, इसमें दोनों भी नहीं है. सो एग्जाम्पल क्या है, अभी आप बोलोगे सर ऐसे भी फ्लावर्स हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, और आपको पता भी है उसका एग्जाम्पल. ये फ्लावर सुना है आपने, सनफ्लावर. सो सनफ्लावर, गिव राइट डाउन, सनफ्लावर इज द एग्जाम्पल, बट नॉट सनफ्लावर, सिंपली रे फ्लोरेट्स. उसके आगे क्या लिखा है मैंने, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हमें सनफ्लावर तो पता है, हमने देखा हुआ है, और अगर सनफ्लावर का ऑयल भी यूज करते हैं हम डे टू डे कुकिंग में, उसके फ्लावर्स में सीड्स भी होते हैं, तो आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर फिर सनफ्लावर रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसके फ्लावर्स बनते कैसे हैं. सो राइट, प्लीज फोकस, आई हैव रिटन एज रे फ्लोरेट्स, प्लीज फोकस, रे. देर आर डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स इन सनफ्लावर ट्री, सो आई हैव गिवन एज रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. अभी आप बोलोगे इसके लिए आपको सनफ्लावर का स्ट्रक्चर समझना होगा कि ये फ्लावर होता कैसा है. ओके, सो सी दिस, दिख रहा है, ये एक सनफ्लावर है, आपने देखा है बहुत बार नेचर में या फिर फोटोज में, पिक्चर्स में, राइट? सो अभी आपको क्या लग रहा है, सनफ्लावर ये एक सिंगल फ्लावर है, ऐसा ही लग रहा है काफी लोगों को, राइट? सही है ना, काफी लोगों को क्या लग रहा है कि सनफ्लावर एक सिंगल है, ये जो दिख रहा है आपको, बट ऐसा नहीं है बच्चों. अभी आपको ये समझना होगा कि सनफ्लावर इज अ टाइप ऑफ फ्लावर विच इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइनी फ्लावर्स. अभी आपको लग रहा है ये सिंगल है, बट ये सिंगल फ्लावर नहीं है, इसमें छोटे छोटे ये जो पेटल्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली फ्लावर्स है, राइट? अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हाँ जी बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ. सी ये जो दिख रहा है आपको, ये एक पेटल येलो, इसे बोलते हैं रे फ्लोरेट्स. रे फ्लोरेट्स, व्हाट इज फ्लोरेट्स, फ्लोरेट्स मीन्स स्मॉल फ्लावर्स. फ्लोरेट्स वर्ड का मीनिंग क्या है, फ्लोरेट्स वर्ड सिंपली मीन्स स्मॉल फ्लावर, इसलिए उसे फ्लोरेट्स बोलते हैं. सो ऑल दिस विच लुक्स लाइक पेटल्स, इट इज एक्चुअली अ फ्लावर. 1, 2, 3, 4, दिस आर फ्लावर्स. इसके बेस में ना पिस्टिल्स होते हैं, ओवरी पिस्टिल्स, जबकि वो स्टराइल नहीं हो, वो स्टराइल होते हैं, यानी दे कैनॉट रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूटर, यानी है बट इट कैनॉट रिप्रोड्यूस, इट इज पिस्टिलेट बट स्टराइल, यानी उसमें कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई ओवरी या फिर कोई नए फ्रूट को बर्थ दे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस रे फ्लोरेट्स इन न्यूटर फैमिली, न्यूटर फ्लावर. अभी हमने ऊपर देखा, राइट? अभी और एक्सप्लेन करता हूँ मैं. दिस इज, दिस आर रे फ्लोरेट्स, एंड आउट इनर साइड जो है ना ये ब्लैक, इसे बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, दिस ब्लैक. इसके अंदर भी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उसे बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स. क्लियर है? अभी सिर्फ नाम समझिए, डिस्क यानी समथिंग विच इज इनसाइड सेंटर में, दिस आर डिस्क फ्लोरेट्स. और ये जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ना, दिस फ्लावर्स, ये जो स्मॉल स्मॉल डिस्क फ्लोरेट्स के फ्लावर्स है, ये इस फ्लावर्स में क्या होते हैं, बोथ मेल बोथ फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैमेंस भी होते हैं, ओवरीज एंड पिस्टिल्स भी होते हैं, और इन्हीं की वजह से एक सनफ्लावर का फ्रूट बनता है, राइट? सो दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स इनसाइड डिस्क, राइट? जो ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं मैं, एंड दीज आर आउटसाइड जो रेड रेड है, दीज आर रे फ्लोरेट्स. क्लियर? अच्छा, और एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इसे, प्लीज फोकस नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एग्जाम में कंफ्यूज कर दोगे या फिर जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आप बोलोगे ये क्या होता है, सो प्लीज फोकस बच्चो. सी वन सेकेंड, आई हैव टेकन अ कट सेक्शन, दिस इज वॉट अ सनफ्लावर, राइट? तब मैंने आपको क्या कहा अभी, फोकस, दिस इज करोला. अभी मैंने कट सेक्शन लिया है, मैग्निफाई किया, अभी आप अच्छे से देखिए. सो दिस आर वॉट पेटल्स लाइक है, और इनके बेस में क्या होता है, सी दिस सिंगल रे फ्लोरेट, ये वाला देखिए यहां पे दिख रहा है, इसके बेस में ओवरी टाइप पिस्टिल्स है, राइट? सो इट इज वॉट, इट इज अ सिंगल फ्लावर करोला. ये पेटल भी है इसमें, इसके बेस में पिस्टिल, तो इन ऑल इट मेक्स अ फ्लावर.
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लोरेट. ऐसे बहुत सारे रे फ्लोरेट्स मिलके एक सनफ्लावर बनता है. सो इट इज मेडअप ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स, रे फ्लोरेट. अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर मैग्निफाई करके ऊपर मैंने देखा है एरो के साथ. दिस इज करोला यानी पेटल. ऑब्वियसली पेटल तो है ही फ्लावर में. सेपल भी है ग्रीन कलर का छोटा, जो अंदर है, नीचे दिखता नहीं है हमें, अटैच्ड है. दूर से फ्लावर को देखोगे तो नहीं दिखेगा. सिंगल अगर पेटल को निकालोगे तो आपको बेस में क्या दिखेगा, ब्रैक्ट दिखेंगे, सेपल्स दिखेंगे, पिस्टिल दिखेंगे, बट दे आर स्टराइल. सो इट इज रे फ्लोरेट और ये है न्यूटर फ्लावर. सॉरी, क्लियर है. एंड सेकंड, ये जो सेंटर में है ना डिस्क वाला, इसे बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, जो ब्लैक में मैंने ऊपर भी दिखाया आपको. ये देखिए डिस्क फ्लोरेट इधर लेफ्ट में स्क्रीन के, डिस्क फ्लोरेट. इट हैज व्हाट, करोला. ऑब्वियसली पेटल तो है ही, एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है. इसी के थ्रू सनफ्लावर का सीड बनता है. सो इन ऑल अगर आप एक बड़ा फ्लावर ले सनफ्लावर, जो आपको एक ही फ्लावर लगता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स है. सो रे फ्लोरेट्स आर न्यूटर, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते. सेंटर वाले डिस्क फ्लोरेट, जिसमें ओवरी होता है, स्टिग्मा होता है, एंथर होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, विच रिप्रोड्यूस एंड मेक अ न्यू फ्लावर और सनफ्लावर के सीड्स को बनाता है. राइट, सो दिस इज इट. दिस इज सिंपल, क्लियर है आपको. अगर फिर से अगर पूछा जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो रे फ्लोरेट क्या है, दिस इज रे फ्लोरेट. करोला, ओवरी, ये ओवरी है पिस्टिल, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. इट इज स्टराइल. फर्टाइल यानी क्या, विच कैन फर्टिलाइज. स्टराइल यानी विच कैन नॉट फर्टिलाइज, विच डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. राइट, सो इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट्स में दिया है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर पिस्टिलेट बट स्टराइल. रे फ्लोरेट्स पिस्टिलेट यानी उनमें पिस्टिल्स हैं बट वो पिस्टिल स्टराइल है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दैट्स द मीनिंग. और ये एक 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 फ्लावर्स है, ये रे फ्लोरेट्स यानी एक एक सिंगल पेटल यानी सिंगल फ्लावर है, इसलिए उसे फ्लोरेट्स बोलते हैं. और यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट है दूसरा वाला जो हमने अभी फिर से पढ़ा. ऑल क्लियर अबाउट दिस न्यूट्रल फ्लावर. Now we'll go one by one to the next major topic, general description of floral parts. What? General description of floral parts. Come on, give the heading as general description in your hand notebook, handwritten notes. Okay? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें we'll study basically first about calyx. Calyx क्या होता है? मैंने कल ही बताया आपको. It is made up of group of sepals. Write down. ब्रैकेट में सेपल. सेकंड वन करोला. करोला यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स. ब्रैकेट्स में पेटल्स लिखिए. कम ऑन, ऐसे चार्ट बनाना है नोट्स में, आपको आसानी होगी रिवाइज करते वक्त बिफोर एग्जाम. थर्ड विल स्टडी अबाउट एंड्रोशियम. एंड्रो मींस मेल. सो एंड्रोशियम में क्या होंगे? स्टैमेंस होंगे. ये सब जो भी स्ट्रक्चर्स हमने कल देखे एक बायसेक्सुअल फ्लावर के, उसे हमें डिटेल में पढ़ना है, आसान है. And fourth one, last one, gynoecium. It is called as pistil. Asaan hai. We'll go one by one. We'll first study about calyx or sepals. Haan ji, diya aapne heading. So we'll study about first calyx. First part, calyx. Kya hota hai? First whorl hota hai na sepals ka. So calyx is a whorl of sepals. First whorl flower mein. Toh isme kya hota hai? Usually there are five sepals. कितने होते हैं एक फ्लावर में? फाइव सेपल्स. यूजली फाइव इन नंबर. राइट डाउन फाइव सेपल्स. बट मे बी लेस और मोर इन फ्यू केसेस. मे बी लेस और मोर. आपके टेक्स्ट बुक में जब आप घर जाके देखोगे बाद में, आफ्टर दिस लेक्चर यू विल सी द फोटोज. आप बाद में कंपेयर करना. अभी मैं आप स्क्रीन पे आपको अलग अलग लाइव फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा. बाद में आप टेक्स्ट बुक से आपको आसानी होगी वो समझने में. राइट, सो बेसिकली व्हाट, क्या क्या होते हैं उसमें? टू टाइप्स. कम ऑन वंस अगेन. सेपल्स फर्स्ट सेकंड. ऐसे चार्ट बनाना है नोटबुक में. फर्स्ट इज पॉली. पॉली से पहले स्मॉल आए. सेकंड गैमो से पहले. डोंट वरी अबाउट द टर्म, आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली इनका नाम क्यों दिया. सी बॉटनी में ना, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में आपको इतना डिफरेंट टर्म्स और नाम याद रखना है. एक्चुअली हम उसे
वी स्टडी अबाउट ह्यूमंस तो थोड़ा आसान लगता है, राइट? वी नो द ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, राइट, किडनीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमें लगता है वी कैन रिलेट. बट प्लांट्स हम डे टू डे में बस देखते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर्स हमें लगता है कि यार ये कितना डिफिकल्ट टर्म्स है. बट सी, अगर हम मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो आसान होगा. सी, बायोलॉजी, बॉटनी इज ऑल अबाउट टर्म्स, मीनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग. तो टर्म्स को डिकोड करिए. आपको ये जब तक हैबिट नहीं लगेगी ना, आपको बायोलॉजी 10th में भी फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट लग सकता है. आप रट्टा करोगे, फोर्सफुली पढ़ोगे, एंड दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड फिर भी आपको आउट ऑफ स्कोर मिलने के चांसेस कितने हैं आपको पता है. बिकॉज एट देन यू विल कन्फ्यूज इन एग्जाम, सो मेनी थिंग्स टू रिमेंबर. सो बेटर लर्न विथ मी ग्रेजुअली, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बायोलॉजी स्टडी कैसे करना है. घर पे भी अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ो तो कैसे, राइट? सो पॉली, व्हाट इज पॉली? पॉली से पहले इसमें प्रेफिक्स क्या लगा है? प्रेफिक्स इज समथिंग बिफोर. सो पॉली इज द प्रेफिक्स. पॉली मीन्स वॉट? पॉली का मीनिंग है क्या? पॉली मीन्स मोर, राइट? मोर और सेवरल. तो इसमें क्या है, बहुत सारे पेटल्स है, सेवरल पेटल्स दिख रहे हैं हमारे आईज को, विजिबली नेकेड आईज में जो पेटल्स, सॉरी जो सेपल्स है वो दिख रहे हैं, मोर सेपल्स, तो उसे बोलते हैं पॉलीसेपैलस. यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे 1, ये अगर फ्लावर है ऊपर तो ये 1, 2, 3, 4 सेपरेटली मुझे सेपल्स दिख रहे हैं इसके. सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीसेपैलस. सेपल, हाँ, इट इज नॉट पेटल. पेटल्स आर डिफरेंट, दे फॉर्म करोला. वी आर स्टडिंग अबाउट सेपल्स, क्लियर है? नाउ गैमो. अब गैमो प्रेफिक्स जहां पे लगेगा, इट मीन्स फ्यूज्ड, समथिंग इज फ्यूज्ड. गैमो का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स जॉइंट और यूनाइटेड. वॉट इज गैमो? जॉइंट और यूनाइटेड. जहां पे भी प्रेफिक्स गैमो लगेगा, जी ए एम ओ, इट मीन्स समथिंग इज जॉइंट, कनेक्टेड, यूनाइटेड, राइट? सो गैमोसेपैलस, वहीं से ये टर्म निकला है, गैमोसेपैलस. इट इज जॉइंट और यूनाइटेड, फ्यूज्ड. अब ये जो सेपल्स है, अगर ये एक दूसरे को ऐसे फ्यूज हो जाएंगे एकदम लग के, देख रहे हो आप, तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही सेपल है. हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे इनके बॉर्डर्स को, राइट? अभी आप अच्छे से इस फोटो में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा. टाइप्स ऑफ कैलिक्स बेस्ड ऑन फ्यूजन. एक में फ्यूजन है, एक में नहीं है. कम ऑन, बताओ मुझे, जो राइट में है स्क्रीन के, इट इज पॉलीसेपैलस. पॉली का मीनिंग क्या बोला है मैंने? पॉली मीन्स मोर, सेवरल. सो सी, मैं एरो के साथ आपको दिखा रहा हूं, 1 sepal 2 sepal 3rd sepal 1 2 3, दिख रहा है आपको? हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं ना, वी कैन डिस्टिंग्विश. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉली. यानी हम इन्हें नेम कर सकते हैं, 1 2 3, वी कैन सी डिफरेंट सेपल्स क्लियरली. क्लियर है? बट गैमो में देखिए ऊपर, यहां पे ये एक ऐसा लग रहा है कि एक ही सेपल है, जैसे यहां पे ग्रीन में, जबकि उसमें 5 सेपल्स है जो कि फ्यूज हो चुके हैं. 4 to 5 सेपल्स तो होते ही है फ्लावर में, राइट? सो दे आर टोटली फ्यूज्ड. सो इट इज कॉल्ड एज गैमोसेपैलस. आसान है, क्लियर? अच्छा, सो अभी एक न्यू टर्म दिया है, इपिकैलिक्स. आपके कैलिक्स टॉपिक में ही दिया है, फर्स्ट टॉपिक वी आर स्टडिंग अबाउट कैलिक्स, राइट? व्हाट इज इपिकैलिक्स? इपी वर्ड का मीनिंग क्या है? इपी मीन्स समथिंग विच इज अबोव. इपी अबोव, राइट? डाउन ब्रैकेट्स में ऐसे लिखिए, नोट्स में लिखिए, सो दैट जब आप रिवाइज करोगे आपको समझेगा. यू विल स्टडी विथ अंडरस्टैंडिंग. सो सी, एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज अ ह्यूमंस में स्किन होता है, हमने देखा इपिडर्मिस लेयर होता है, इपिथेलियम्स होते हैं, हमने देखा एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज में, राइट? फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव स्टडीड फ्यू डेज बैक, राइट? सो इपिथेलियम, इपिथेलियम क्यों बोलते हैं हम उसे, स्क्वैमस इपिथेलियम? बिकॉज डिफरेंट ऑर्गन्स को वो लाइन करता है, राइट? सो इट इज लाइनिंग द डिफरेंट ऑर्गन्स. इट इज समथिंग अबो, लाइक होता है ना स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम. सो दे आर इपी अबो. सो अबोव, इट इज सराउंडिंग समथिंग. सो इपिकैलिक्स क्या है? सपोज एक प्लांट है स्पेशल, उसका नाम है हिबिस्कस. राइट डाउन हिबिस्कस. ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विच प्लांट हैव इपिकैलिक्स. तो एग्जाम्पल क्या है उसका? हिबिस्कस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शू फ्लावर. शू, इट इज शू शेप्ड. इट इज कॉल्ड एज शू फ्लावर. सो इसमें क्या होता है,
देयर मे बी अ सेकंड सीरीज ऑफ सेपल्स अलोंग विद अ नॉर्मल सीरीज, उसमें सेकंड सीरीज ऑफ सेपल्स हो सकता है. सो कलेक्टिवली कॉल्ड एज एपिकैलिक्स. सो राइट, समझ में आ रहा है? सो अगर ये एक फ्लावर है, इसमें ऐसे 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 सेपल्स है राइट सराउंडिंग, तो उसमें सराउंडिंग और एक इसके ऊपर ऐसे और एक लेयर होगा, यानी दो लाइंस, दो रोज होंगे कैलिक्स के. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपिकैलिक्स. फिर से देखिए इस फोटो में, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से. सो ये एक हिबिस्कस है, उसका फ्लावर लिया, ये पिंकिश करोला है पेटल्स. अभी देखिए मैं मार्क करता हूं, ये नॉर्मल कैलिक्स है, ये रो हो गया नॉर्मल. हमने इतना तो समझा कि चार से पांच कैलिक्स एक राउंड में शेप में कवर करते हैं फ्लावर के बेस को. सो पता है ये जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस इसमें क्या है, और एक रो है, और एक रो दिख रही है आपको, ये देखिए ईपी यानी इसके ऊपर, जैसे कि इसको कवर कर रहा है इसके ऊपर वाले अंदर वाले सेपल्स को. सो टू रोज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपिकैलिक्स. समझ में आया ना? एक रो है और उसके ऊपर और एक रो बन गया है कैलिक्स का. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपिकैलिक्स. देयर आर सेकंड सीरीज ऑफ सेपल्स, टू सीरीजेस ऑफ सेपल्स, टू सीरीज राइट डाउन ऑफ सेपल्स, एक नॉर्मल और एक उसके ऊपर ईपी राइट. और एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस. ये जो प्लांट है ना हिबिस्कस, इसका नाम है, इसमें होता है इनके फ्लावर्स में हिबिस्कस के. अच्छा वन मोर थिंग, व्हेन द फ्लावर ओपन्स द सेपल्स में फॉलो राइट और पर्सिस्ट. सो सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन, क्या होते हैं यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं ना सेपल्स, बट इन सम केसेस दे आर ब्राइटली कलर्ड. अभी हमने देखा ये ग्रीन कलर का है राइट, दे प्रोटेक्ट, दे फॉल ऑफ. अगर हम फ्लावर ओपन हो जाए तो कभी कभी ये फॉल ऑफ हो जाते हैं. कुछ केसेस में सेपल्स कलर्ड होते हैं जैसे पेटल्स की तरह, कल हमने सीखा है, और तब हम क्या बोलेंगे, इट इज पेटलॉइड सेपल्स. सो दे आर लाइक पेटल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेटलॉइड. दे आर नॉट पेटल्स बट व्हेन दे आर कलर्ड, अभी तो ग्रीन है बट कुछ प्लांट्स में कलर्ड होते हैं, उसे हम बोलते हैं पेटलॉइड. सफिक्स लॉइड यानी जैसा, उसके जैसा, पेटल जैसा, बट इट इज नॉट पेटल. पेटल जैसा कलरफुल है इसलिए हम उस सेपल्स को बोलते हैं पेटलॉइड सेपल्स. राइट डाउन अभी कौन सा है एग्जाम्पल, क्या है पेटलॉइड सेपल का, द एग्जाम्पल इज राइट डाउन एग्जाम्पल गुलमोहर. गुलमोहर ट्री होता है ना, उसके फ्लावर पेटलॉइड होते हैं, पेटलॉइड सेपल्स के बने हैं गुलमोहर. कभी सुना है आपने गुलमोहर, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्रैकेट में लिखिए. क्यों? बिकॉज जैसे फ्लेम होता है ना, इट इग्नाइट्स एंड गिव्स द लाइट इन अ रूम. फ्लेम, एक फ्लेम होता है ना कैंडल का फ्लेम या जो भी, वैसे एक फॉरेस्ट में ये इतने ब्राइट कलर्ड सेपल्स होते हैं गुलमोहर के, रेड कलर के मेजॉरिटी टाइम्स. सो वी कॉल्ड इट फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट को एक रोशनी देते हैं वो, दे आर कॉल्ड एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट गुलमोहर. इट इज ऑल्सो, उसका जो साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल पॉइनिशियाना, पॉइनशियाना, रॉयल पॉइनशियाना राइट. बट आपको नहीं पूछेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो आपको यही लिखना है गुलमोहर राइट. It has petaloid sepals, right? Where they are red. ये जो sepals है ना वो red होते हैं गुलमोहर में. अभी आप देखिए ये एक गुलमोहर tree है right? गुलमोहर दिख रहा है, red color के flowers है, तो इनमें जो sepals है ना वो भी red color के हैं. Suppose it is a flower, इसके ये red color के petals है, और जो सेपल्स होते हैं ना ऐसे और ऐसे बेस में फर्स्ट वर्ल्ड जो बनाते हैं गुलमोहर में, वो भी रेड कलर के होते हैं, ब्राइटली रेड कलर्ड, ऐसे सब तरफ इसलिए रेड रेड दिख रहा है आपको, बहुत ग्रीन एरियाज कम दिखेंगे आपको. सो दैट्स व्हाई गुलमोहर इज ए एग्जांपल विच हैज पेटलॉइड सेपल्स, पेटल जैसे दिखते हैं जबकि वो सेपल्स है, एग्जाम में पूछ सकते हैं राइट. सो प्लीज राइट डाउन द एग्जाम्पल. क्लियर, फोटो में समझ में आ गया? सो sepals protect the young flower bud and when the green they also perform photosynthesis.
तो ये क्या करते हैं, जो फ्लावर है ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे कवर कर लेते हैं। ऊपर हमने देखा, देखिए प्रोटेक्ट कर रहा है ये पेटल्स को, ये ग्रीन कलर के। और ये ग्रीन है तो कुछ ग्रीन सेपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ग्रीन कलर के है ना, क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें, तो फोटोसिंथेसिस जिससे फूड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, राइट। हम आगे और सीखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा ये बेसिक्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स सेपल, कैलिक्स इज ग्रुप ऑफ सेपल्स। ऑल क्लियर, ओके बच्चों, विल मूव ऑन टू सेकंड विच इज करोला। व्हाट, करोला। नाउ विल स्टार्ट विथ करोला। करोला यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स, सेकंड वॉल होता है, राइट। अब इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सी अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं। कुछ फ्लावर्स में एक रो होता है, कुछ फ्लावर में डबल रोज होता है, राइट। कुछ फ्लावर में स्पाइरल में होता है, तो जनरली पेटल्स एक रो में होते हैं, हमने देखा। समटाइम्स देयर मे बी अ डबल वॉल, राइट डाउन डबल वॉल। फर्स्ट या फिर स्पाइरल वॉल, ऐसे चार्ट्स में लिखना है सो दैट रिवीजन को आसान जाए। जनरली क्या होता है, सिंगल वॉल ऑफ पेटल्स होता है करोला में, सिंगल वॉल इन जनरल मेजॉरिटी फ्लावर्स में सिंगल वॉल्स ऑफ पेटल्स। बट कुछ फ्लावर्स में डबल वॉल ऑफ पेटल्स है, डबल वॉल। वो कौन से फ्लावर्स है, दे हैव डबल वॉल ऑफ पेटल्स। एग्जाम्पल पॉपी, एक पॉपी प्लांट होता है, पॉपी नाम है उसका, पॉपी, पी ओ पी पी वाई, पॉपी। इसमें डबल वॉल होता है, राइट। अभी देखिए आप कैसे पॉपी, नीचे देखिए दिख रहा है, ये एक पॉपी प्लांट है, पॉपी विच हैज डबल वॉल। आपको दिख रहा है, एक सिंगल पेटल का वॉल है और बाहर से और एक दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको ये, दिस इज वन। फिर से मैं येलो से करूं आपको क्लियर दिखेगा, राइट। दिस इज फर्स्ट वॉल, और यहां से भी नीचे और पेटल्स दिख रहे हैं, ये सेकंड वॉल, तो इसे डबल वॉल है। सो पॉपी हैज व्हाट, डबल वॉल ऑफ पेटल्स, दिस इज यूनिक। इन जनरल में तो सिंगल होता है, राइट। सो डबल वॉल, राइट डाउन डबल वॉल, लिखा आपने क्लासिफिकेशन में ऊपर, क्लियर है, फोटो में समझ में आ गया। ऐसे होता है, शुरू में छोटा होता है ये, ऐसे कवर करते हैं सेपल, जैसे उसका छोटा कली होता है ना, फिर वो जब फ्लावर ब्लूम हो जाता है, फूल जाता है, तो ऐसे हमें डबल वॉल्स में दिखता है वो पॉपी, दैट इज पॉपी, राइट। सो हमने फर्स्ट देख लिया टाइप करोला में डबल वॉल। अब कुछ फ्लावर्स में स्पाइरल वॉल्स होते हैं, कैसे होते हैं स्पाइरल। स्पाइरल यानी क्या, बताओ मुझे बच्चों, व्हाट इज स्पाइरल। सो स्पाइरल इज widening in a continuous manner, winding or widening in a continuous and gradually widening curve, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना spiral, इसे spiral बोलते हैं, right? तो ऐसे कौन से flower है, example है water lily, water lily देखा है कभी आपने, देखा होगा आपने उसका flower, write down water lily, आपको पूछ सकते हैं, it has spiral whorl, अभी देखिए कैसे होता है water lily का spiral whorl। दिख रहा है कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ये पिंक कलर का वाटर लिली है, व्हाइट कलर का है, राइट। सो ये है वाटर लिली, ये दिख रहा है आपको। सपोज यहां पे देखिए राइट में, ये फर्स्ट वॉल ऑफ पेटल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल, कैसी अरेंजमेंट है वॉल्स में जैसे, राइट। यहां पे भी देखिए पिंक में, ये एक दो तीन पेटल्स कैसे अरेंज्ड है वॉल्स के शेप में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पाइरल वॉल अरेंजमेंट ऑफ करोला और पेटल्स। क्लियर है, ये तो सबसे आसान है, राइट। अभी हम और करोला के डिटेल्स में जाएंगे कि उनमें पेटल्स का फ्यूजन कैसे होता है, जैसे हमने सेपल्स का देखा, राइट। सो फोकस हियर, अच्छा हमने अभी डबल वॉल एंड सिंगल वॉल स्पाइरल वॉल तो समझ लिया कि पेटल्स का अरेंजमेंट। अभी हम फिर से सेपल जैसा पेटल का भी स्ट्रक्चर्स होता है, कैसे पॉलीपेटालस गैमोपेटालस, फिर से वही, ये सेपालस नहीं है आप पेटालस, तो पॉली यानी क्या, कम ऑन एवरीवन बताओ मुझे, सॉरी सी पॉली यानी मोर,
सो जिसमें पेटल्स फ्रीली दिख सकते हैं दैट इज पॉलीपेटलस, फ्री पेटल्स. राइट डाउन, दे आर मोर इन नंबर एंड फ्री, फ्रीली प्लेस्ड है, पॉली सेवरल, वी कैन सी फ्री अरेंजमेंट, जो ऐसे होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये पेटल्स ये फ्रीली अरेंज रहे, राइट, दिस इज पॉली. अच्छा गैमो क्या है, गैमो मीन्स सर ने बोला था, याद है आपको, गैमो इज वॉट, अमित सर ने बोला है इसके पहले, ऐसे आपको याद करना है जब भी टेक्स्ट बुक पढ़ो, गैमो याने यूनाइटेड और फ्यूज्ड, सो दीज आर फ्यूज्ड पेटल्स. अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स होता है, कैसे कैसे फ्यूज करेंगे, फर्स्ट स्मॉल ए, इट कैन फॉर्म अ ट्यूबुलर शेप, ट्यूबुलर, राइट, ट्यूबुलर शेप फ्यूज्ड पेटल्स, ट्यूबुलर पेटल्स, और इट कैन फॉर्म अ फनेल पेटल्स, फनेल शेप्ड, सो फनेल शेप्ड पेटल्स, ट्यूबुलर पेटल्स, यानी क्या, ये जो एक, अगर ये सब पेटल्स अगर ऐसे ऐसे फ्यूज हो गए तो एक ट्यूब जैसा लगेगा स्ट्रक्चर, तब बोलते हैं ट्यूबुलर. और कभी कभी क्या होता है, ऐसे फनेल बन जाता है, फनेल यानी जिसमें ऐसे फनेल दिखता है, गैप होता है, दैट इज फनेल. अभी आप बोलोगे सर हमें एक्चुअल में फोटोज देखना है, तो हम अभी फोटो के थ्रू समझेंगे कैसे होता है, लेट्स सी. लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, पॉलीपेटलस, ये है पॉली, क्यों, क्योंकि सेपरेट पेटल्स दिख रहे हैं मुझे, इट्स विजिबल, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड. पॉली वर्ड का मीनिंग क्या है, जब भी पॉली प्रेफिक्स लगेगा इट मीन्स वी कैन सी द सेपरेट पेटल्स, दैट इज पॉलीपेटलस, क्लियर है. अभी सेकंड है गैमो, ये देखिए, ये फ्लावर में आपको दिख रहा है क्या कुछ सेपरेट, नहीं, आप बोलोगे हाँ सर इसमें तो कुछ नहीं, सब फ्यूज दिख रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे को चिपक गए हैं पूरी तरह से, राइट, सो इट इज गैमोसेपैलस, क्या बोलते हैं, गैमो, दे आर टोटली कनेक्टेड, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं इसमें पेटल, बट हमें लगता है जैसे कि वो एक ही पेटल है, बिल्कुल एक दूसरे को ज्वाइन हो चुके हैं, राइट. अच्छा इसमें आपको ट्यूब जैसा भी शेप दिख सकता है या फनेल, इसमें देखिए फनेल जैसा लग रहा है, बीच में अंदर फनेल बन गया है, फिर से देखिए इस फोटो में ट्यूब कब दिखता है, ये देखिए ट्यूब, ये है ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है ये एक फ्लावर का, वन ट्यूब, ट्यू ट्यूब, ऐसे बिल्कुल ट्यूब लाइक्स बन गए, सो ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ पेटल्स, ट्यूबुलर लग रहे हैं ना, एक लंबा ट्यूब होता है वैसे, पेटल्स एक दूसरे को बिल्कुल जुड़ गए हैं, फ्यूज हो चुके हैं, दिस इज ट्यूबुलर, आसान है. अब देखिए फनेल कैसे होता है इस फोटो में, लुक एट दिस पिक्चर, सी ये देखिए फनेल दिख रहा है आपको, फनेल जुड़ गए हैं, गैमोपेटलस के ही टाइप है, जब ट्यूब और फनेल कब बनेगा, जब कोई पेटल्स एक दूसरे को चिपक रहे हैं, दे आर फ्यूजिंग, तभी तो ये टाइप्स बनेंगे. तो हमने ट्यूबुलर अभी देख लिया, अभी देखिए फनेल कैसा होता है, ये देखिए फनेल बन रहा है, दिख रहा है इसके अंदर ऐसे कुछ डीप एरिया बन गया है, ऑल दिस आर फ्यूज्ड पेटल्स, इधर भी दिख गया आपको, इसमें कितने सारे फ्यूज है, देखिए ये सब गैमोपेटलस है, ये एक दूसरे को जुड़ के एक फनेल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है सेंटर में, सो इट इज फनेल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फनेल शेप्ड पेटल्स. ये फनेल शेप्ड किसका टाइप है, गैमोसेपैलस, गैमो जब फ्यूज होंगे तभी तो फनेल शेप बनेगा, लॉजिकल है ना बच्चों, राइट, क्लियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स एंड करोला, सेपल्स एंड पेटल्स, हमने दो पार्ट्स देख लिए जनरल डिस्क्रिप्शन के, आसान है, राइट, फिर से रिवाइज करना है, सो लेट्स सी. आप बोलोगे सर कंफ्यूजन ना हो तो एक फाइनल रिवीजन, चलो लेट्स गो. सो सेपल एंड पेटल फ्यूजन, हमने देखा कैसे इसके बेसिस पे टाइप्स बनता है, सी ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, इसमें गैमोसेपैलस यानी क्या, फ्यूज, ये दिख रहे हैं नीचे वाले ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर नहीं है बस आप स्ट्रक्चर देखिए, दिस आर ऑल फ्यूज्ड, गैमो दिस इज सेपल, राइट. अब ये देखिए ये सेपल क्या है, पॉलीसेपैलस यानी ये नीचे वाला जो फर्स्ट वाला है ये सेपल होता है, तो ये सेपरेट दिख रहे हैं, पॉली यानी सेवरल, मेनी सेपल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, सो इट इज कॉल्ड एज पॉली एंड गैमो. फर्स्ट सेपल्स में हमने कैलिक्स में पढ़ा, क्लियर है, राइट. अभी हम देखेंगे पेटल्स में कैसा होता है, सी ऊपर
पॉलीपिटैलस, फिर से मैं अलग मार्कर के थ्रू बताता हूँ, क्लियर होगा। पॉलीपिटैलस यानी क्या, 1 2 3, ये देखिए सेपरेट पेटल्स दिख रहे हैं ऊपर, सो इट इज पॉली। अब गैमो में कैसे है, ये देखिए एक दूसरे को चिपक के फ्यूज हो गए, सो इट इज कॉल्ड एज गैमो। जैसे एक ही पेटल है ऐसा लग रहा है, बट देर आर सेवरल पेटल्स विच आर फ्यूज्ड, गैमो पॉली। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर विजुअली क्लियर हो गया है, राइट। सो वी आर डन विथ कैलिक्स एंड करोला, ऑल क्लियर। सो टुमारो विल स्टडी अबाउट एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवरी, स्टैमेंस इन डिटेल, एंड विल ऑल्सो स्टडी अ स्मॉल टॉपिक अबाउट इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस यानी मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ ए प्लांट, छोटा सा टॉपिक है। सो टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक फ्लावर्स। सी आई एम टेकिंग वेरी स्लोली, इतना छोटा टॉपिक है, आई थॉट इट विल बी फिनिश्ड इन 2 lectures, बट आई एम टेकिंग 3 lectures जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद हो। जैसे याद है ना ब्रैक्ट्स किस में होते हैं, ब्रैक्ट्स हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, कम ऑन टेल मी ब्रैक्ट्स, बी ब्रैक्ट्स, एग्जाम्पल बी फॉर ब्रैक्ट्स, बी फॉर बुगेनविलिया, ऐसे याद रखना है। क्या करते हैं ब्रैक्ट्स, होते हैं ना, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ नहीं होते हैं वो, राइट, दे आर समटाइम्स कलर्ड, लार्ज कलरफुल ब्रैक्ट ऑफ बुगेनविलिया, जिसमें व्हाइट व्हाइट अंदर फ्लावर्स होते हैं, एंड वी कैन मिस्टेकन कि बाबा ये तो नहीं है, राइट। सो ऐसे हमें लगेगा कि वो फ्लावर है जबकि वो ब्रैक्ट है, उसके अंदर छोटे से फ्लावर्स है। नेक्ट्रीज क्या होते हैं, नेक्ट्रीज, कम ऑन, नेक्ट्रीज किस में होते हैं, पूछ सकते हैं, एग्जाम में कॉमनली पूछते हैं, नेक्ट्रीज किस में होते हैं। सो नेक्ट्रीज आर फ्रेग्रेंट प्रोड्यूसिंग, वॉट, दे आर फ्रेग्रेंट और स्वीट फ्रेग्रेंट नेक्टर प्रोड्यूसिंग लिक्विड सेल्स विच आर यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पिस्टिल और पेटल्स। अब किस में होते हैं, कौन से प्लांट में, एंड फॉर नेक्ट्री एंड फॉर नेस्टर्शियम, याद रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो नेक्ट्रीज में अगर आपको ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा और बोगेनविलिया दिया तो आप बोगेनविलिया मार्क नहीं करोगे, उसमें नहीं होता है। किस में होता है नेक्ट्रीज, नेस्टर्शियम, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, राइट। सो डोंट कंफ्यूज, ऐसे ट्रिक्स बनाना है और हैप्पी हैप्पी रहना है तो हमें अच्छे से रिकॉल होगा, दीज आर योर ओन ट्रिक्स, ऐसे नोट्स में लिख लो आप राउंड करके, बी फॉर ब्रैक्स, बी फॉर बोगेनविलिया, राउंड कर लेना है। एग्जाम में आपको ऐसे सर्कल नहीं करना है, राइट, ये तो हमें सिर्फ मेमोराइज करने के लिए हमने अपना खुद का ट्रिक बनाया है अपने लिए, सो दैट वी कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स, कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑल क्लियर। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, और टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर, कम ऑन, वी आर डन, राइट। So, अच्छे से टेक्स्ट बुक से पढ़िए, कुछ डाउट्स है तो कन्वे करिए सर, स्नेहल सर को, और कल पढ़ के आना, टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर, हम अच्छे से सब कुछ रिवाइज करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे एंड फ्लावर टॉपिक विल बी कंक्लूडेड इन टुमारोज सेशन। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग एंड कीप स्टडिंग, एंजॉय करते करते हुए पढ़ना है, ओके। See you all soon tomorrow. Take care. Have a great day. And bless you all. Okay, bye-bye.